एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज बनाते हैं करेले की सब्ज़ी, लेकिन नए स्टाइल में। आज मैं बनाने वाली हूँ अचारी करेले। तो इसके लिए मैंने करेलों को पहले अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इन्हें चार पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने काटे हैं, आप भी इसे इसी तरह से काटें लंबाई में। चाहे तो आप इसे गोलाई में भी गोल गोल काट सकते हैं। तो मैंने इसे चार पीस में ऐसे कट कर लिया है। और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। देखिए करेलों को मैंने अच्छे से काट लिया है। तो अब मैंने इसमें नमक लगा दिया है। नमक लगाकर हम इसे धूप में आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद मैंने अब कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 टीस्पून ऑयल। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैंने ओलिव ऑयल लिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और 1 टीस्पून ही कोरिएंडर सीड्स डाले हैं। तो इन्हें हम अच्छे से रोस्ट होने देंगे। इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून राई डाली है, मस्टर्ड सीड्स। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हमने जो करेले रखे थे उसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसे करेले को डाल दिया है कढ़ाई में। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। करेले को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनते रहना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसे मैंने लंबा लंबा काट लिया था। तो उसे भी हम करेलों के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए प्याज और करेले अच्छे से भून गए हैं। अब इसे हम सूखे मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। बस इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्च डाली थी तो मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली। तो इसके बाद इसमें मैंने 1/2 कप दही डाला है। दही से इसमें खट्टापन आता है और ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है। आप चाहे तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप अमचूर डाल दें। तो बस हल्का सा पानी का छींटा दिया था और उसके बाद इसे मैंने ढककर 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। और सब्ज़ी हमारी अच्छे से कुक हो गई है, करेले भी अच्छे से पक गए थे। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप चाहे तो इसमें हल्का सा गुड़ भी डाल सकते हैं, तो उससे हल्का सा एक मीठापन भी आता है इसमें, लेकिन मैंने नहीं डाला था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।